बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वली वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वली वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं भी अल्लाह के फजल और करम से बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ मटन बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने मटन को साफ़ करके उसको मैरिनेट करने लगी हूँ, तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने तकरीबन 2 से 3 केजी मटन ले लिए हैं, लेकिन थोड़े बड़े साइज़ में है। साफ़ करना है अच्छी तरह इसको, उसके बाद इसका पानी ड्राई करना है और फिर नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 अनियन लिए हैं मीडियम साइज़ के, उनको लाइट ब्राउन करना है, नॉट अ डार्क वन। ये हो गया। अभी इस आनियन में मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ, मेरा फ्रोज़न वाला है, आप फ्रेश वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ये 2 मिनट मैंने फ्राई किया है, उसको जिंजर गार्लिक पेस्ट की स्मेल आनी शुरू हो गई है, अच्छी खुशबू। अब मैं इसमें 2 टीस्पून सॉल्ट, क्रश चिली है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून है कश्मीरी चिली और 1/2 टीस्पून हल्दी है, वो ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐड करते ही आपने साथ ही मीट डाल देना है और उसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है। ये जैसा कि आपको कलर नज़र आ रहा है, इसकी भुनाई हो गई है मसालों की। अब मैं इसमें मीट ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीट को अच्छी तरह वॉश करके उसका पानी ड्राई करने तो बेहतर है। ये देखिए जी, मीट की बहुत अच्छी तरह भुनाई हो गई है गोश्त की। ये देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है और 8 से 10 मिनट हो गए मुझे भूनते हुए। यहाँ पर ये देखिए, मैंने 4 से 5 मीडियम साइज़ के टमाटो लिए, उनको स्लाइस किया है। पिंच ऑफ कलवंजी है, सम आलू बुखारे हैं ड्राई वाले, लौंग है, सिनेमन स्टिक है, दालचीनी, ज़ीरा है, ग्रीन इलायची, सम बादियान के फूल हैं, सम मोटी इलायची। मोटी इलायची को मैं क्या करती हूँ, किचन काउंटर पर रखने के बाद मैं ऊपर से नाइफ से थोड़ा सा उसको स्टैब कर लेती हूँ ऐसे। वो टूटने के बाद उसके अंदर से जो उसका अरोमा है वो बहुत अच्छी तरह से शामिल हो जाता है हमारे मीट में, फूड में, जिसमें भी आपने ऐड करें। ये सब चीज़ें मैं उसमें ऐड करूँगी और उसको फिर अच्छी तरह भुनाई करूँगी। ये हो गया। अब मैंने 1/2 लेमन लिया, उसको स्लाइस करने के बाद अंदर डाल दिया है। अब इसको थोड़ी देर भुनाई करूँगी, उसके बाद अभी हम यहाँ पर 1 कप वाटर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और उसको पकने देंगे ताकि हमारा मीट अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। प्रेशर कुकर को मैंने बंद कर दिया। अकॉर्डिंग टू आपके प्रेशर कुकर का आपको ज़्यादा बेहतर पता है, 1/2 आवर में होता है, 20 मिनट लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं। मिलती हूँ आपको मीट सॉफ्ट होने तक। दूसरी साइड पे मैंने वाटर रख दी है राइस के लिए। यहाँ पर मैंने 5 कप राइस लिए हैं और उसके साथ मैंने 9 कप वाटर डाला है, क्योंकि मैं वाटर नहीं उतारती। यहाँ पर पानी बॉयल होने के करीब है, 1 टीस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ और सारे खड़े मसाले हैं ये देखें। और जब से कोविड है मैं कलवंजी मस्त यूज़ करती हूँ, चाहे 1 पिंच करूँ चाहे 2 पिंच करूँ, और हर फूड में करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड करते हैं और विनीगर। ये देखें जी, अब मैं विनीगर ऐड कर रही हूँ, ऑयल ऐड कर दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइक अबाउट 1 टेबल स्पून, अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। और थोड़ा कम लग रहा है, मैं और ऐड कर रही हूँ। ये पानी बॉयल हो रहा है, अब मैं इसमें राइस ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं इसमें लिमरी के लीव्स हैं वो ऐड कर रही हूँ और राइस को पकने देंगे। ये देखिए जी, यहाँ पर हमारे राइस डन हो रहे हैं, कुकर में हमारा मीट भी हो रहा है। और यहाँ पर मैंने प्रिपरेशन भी कर ली है जो उसकी लेयरिंग की, और साथ में ये देखे रायता मैंने ऑलरेडी वो बना के रखा हुआ है, उसको चटनी को ना फ्रीज कर दिया हुआ क्यूब की शक्ल में, योगर्ट में ऐड करेंगे, साथ सैलड काटते हैं फिर लेयरिंग करते हैं। ये देखे जी, हमारे राइस निखर निखर के बन गए हैं, एक एक राइस निखरा हुआ है। यहाँ पर मैंने पोटैटो काट ली है गार्निशिंग के लिए, आप पे डिपेंड है, मैं तो थोड़ी सी वो कर दी फूड कलर है ज़्यादा कलर, वो डाल रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और
यहाँ पर जनाब हमारा ऑयल गर्म है, बिस्मिल्लाह भर के डाल के बिस्मिल्लाह रखने लगे। यहाँ पे डिपेंड है कोई भी शेप आप बना रहे हैं जी, तो कहते थी मेरे बच्चे को ऐसे पसंद है, हमें ऐसे पसंद है, मैं बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पर चटनी जो है वो हमारी सॉफ्ट हो गई है, अब हम इसमें योगर्ट ऐड करके इसका रायता बनाते हैं। मैं फुल क्रीम योगर्ट ऐड कर रही हूँ, आप अपनी मर्जी के मुताबिक। ये देखिए जी यहाँ पर रायता रेडी है, यहाँ पर पोटैटो रेडी है, इनको निकालते हैं। ये देखिए जी यहाँ पर सैलड भी रेडी है, इसमें क्यूकम्बर है, एप्पल है, टाइप ऑफ सैलड के लीव्स हैं। मेरा पीकॉक फ्लाइज कर रहा है तो मैं कंफ्यूज हो रही थी, आई डोंट नो हाउ टू टॉक, कैसे बात करूं। ये देखिए जी हमारा मीट बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है, बहुत ज़बरदस्त कलर भी आया है। यहाँ पर मैं टू लेयरिंग कर रही हूँ, राइस मैंने हाफ यहाँ पर निकाल ली है, ये हमारा ऊपर वो गार्निश के लिए पोटैटो और दूसरी चीज़ें और ये राइस। चले जी अब मैंने नीचे एक तह बिछा ली है चावलों की, अब ऊपर मैं मीट डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज पता नहीं क्या हो गया मेरे पीकॉक को, बहुत नॉइस कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कलर देखें, ये मेरी सिंगल लेयरिंग है, इसके ऊपर आप टमाटो रखें, धनिया पुदीना सब्ज मिर्चों का छिड़काव करें, पोटैटो रखें, जो जो आपका दिल करता है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसकी गार्निशिंग करें। फिर ऊपर राइस जाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनाब टोटली आप पे डिपेंड है, आपने कितनी लेयरिंग उसकी करनी है। ये मेरा मीट चला गया फिर से, मैंने 3 से 2 लेयर्स दी हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लें जितनी आपको जैसे मुनासिब समझते हैं। एक एक चीज़ एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं उनके लिए इजी हो जाए कैचअप करना। आप पोटैटो जाएंगे सब, ये देखें जी मैंने फाइनल लुक उसका दे लिया है, अब उस पर हम फूड कलरिंग छिड़क रहे हैं। मुझे कहीं कहीं वाइट राइस अच्छे लगते हैं बिरयानी में, आप पे डिपेंड है, आप एक जगह पे डालना चाहो डालो, एवरी डे डालना चाहो। अब इसको हम दम पे रखते हैं तकरीबन 15 to 10 मिनट, 5 मिनट हम हाई हीट पे, 10 मिनट लो हीट पे, बिल्कुल मीडियम लो पे। ये देखिए जी हमारी बिरयानी रेडी है, मैंने सील ओपन कर ली है उसकी, अब मैं आपको ओपन करके दिखाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। एक एक राइस निखरा हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं पानी नहीं उतारती, ये देखिए ज़रा। बिस्मिल्लाह, अब मैं डिश आउट करके आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। यहाँ पर जनाब ये देखिए मैंने टेबल भी सेट कर लिया था, बच्चे जुमा पढ़ने गए हुए हैं, पता नहीं वो रोशनी है बाहर धूप में आपको उसका लुक ठीक नज़र आ रहा है या क्या है, कैमरा इतना इंसाफ नहीं कर पा रहा। ये हो गया सैलड, रायता और हसब मामूल जलवा आजमात होते हैं थोड़े बहुत टेबल के। ये देखिए जी फाइनल लुक बिरयानी, मटन बिरयानी का, घर के मसाले के साथ झटपट तैयार होने वाली इजी वे फॉर बिगनर्स, अ वेरी गुड टू लर्न हाउ टू मेक छोटे गोश्त की बिरयानी कैसे बनाई जाती है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मेरी बहुत ज़्यादा रेसिपी पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी पसंद आई है तो दूसरों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो न्यू है, और मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें अगर आपको अच्छी रेसिपी फॉलो करने को मिलती है तो, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। दो में याद रखें, फिर आऊँगी इंशाल्लाह किसी बहुत सारी अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि वबरकातुहु एंड अल्लाह हाफिज़।